हेलो स्टूडेंट, यहाँ हम डिस्कस करने जा रहे हैं एन बिट सबट्रैक्टर। हमने इससे दो एक क्लास पहले और डिस्कस किया था एन बिट सबट्रैक्टर एंड फोर बिट सबट्रैक्टर। तो पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे फोर बिट सबट्रैक्टर, उसके बाद वन बिट सबट्रैक्टर। तो हमने एन बिट एडर एंड एन बिट सबट्रैक्टर डिस्कस किया था। तो दोनों प्रोग्राम नियर अबाउट सेम हैं, दोनों का इंटरनल डायग्राम में थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी एक्सटर्नल डायग्राम दोनों देखने में सेम लगते हैं। तो जिस टाइप से हमने किया था फोर बिट एडर, उसी टाइप से हम कर रहे हैं फोर बिट सबट्रैक्टर, सेम टू सेम प्रोग्राम है। अब यहाँ पर देखिए, उसमें जो हमारा हाफ एडर था उसमें नॉट गेट नहीं लगा था, यहाँ नॉट गेट नहीं लगा था, इसमें नॉट गेट लगा हुआ है, लेकिन हमें इसका ब्लॉक डायग्राम लेना है। तो अगर हम इसका एक ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं कुछ इस टाइप से, ऐसे हमने उसमें भी बनाया था जो हमारा फोर बिट एडर था। तो ये हो गया बी आउट डी डिफरेंस, तो ये हमारा ब्लॉक डायग्राम बना। ब्लॉक डायग्राम कुछ इस टाइप से बना, ए बी, बी इन, इधर डी एंड बी आउट, इसको बोलेंगे हम फुल सबट्रैक्टर। ऐसे ही सेम ब्लॉक डायग्राम बना था हमारा फुल एडर का, जिसमें इसमें इंटरनल सर्किट यहाँ पर चेंज है, ऊपर से देखने में कोई भी चेंज नहीं है। थ्री इनपुट उसमें भी था, फुल एडर में दो आउटपुट था, इसमें भी थ्री इनपुट एंड दो आउटपुट, तो इसलिए हमारा डायग्राम दोनों सेम लग रहा है, लेकिन इंटरनल सर्किट में चेंज है, इसलिए हम इसको फुल सबट्रैक्टर बोल रहे हैं। तो यहाँ पर हम इसको 180 डिग्री रोटेट करके देखेंगे, कुछ इस टाइप से हमने डायग्राम बनाया था, और इसमें इनपुट आउटपुट को थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमने ए लिया था, यहाँ पर बी लिया था, इधर बी इन लिया था, और इस साइड में डी, और यहाँ बी आउट। इस टाइप से हमने डायग्राम को चेंज किया था, इसको हम बोलेंगे फोर बिट सबट्रैक्टर। अब इस फोर बिट या वन बिट सबट्रैक्टर, अब इस वन बिट सबट्रैक्टर को हम फोर टाइम्स कॉल करेंगे और फोर बिट सबट्रैक्टर बनाएंगे। तो इस वाले ब्लॉक को हम कितनी बार कॉल करेंगे, फोर टाइम, मतलब चार बार। तो हम इसको चार बार कॉल करके बना रहे हैं फोर बिट सबट्रैक्टर। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फोर बिट सबट्रैक्टर। ये हमने जो अभी ब्लॉक डायग्राम बनाया था, उसी ब्लॉक डायग्राम को हमने फोर टाइम्स यहाँ पर कॉल किया है। तो यहाँ पर ये फुल सबट्रैक्टर, फुल सबट्रैक्टर, फुल सबट्रैक्टर, फुल सबट्रैक्टर। अब हमारे पास जो इनपुट है वो ए फोर बिट का है एंड बी फोर बिट का है। तो ए हमने दिया ए जीरो, ए वन, ए टू, ए थ्री, एंड बी जीरो, बी वन, बी टू, बी वन, बी टू एंड बी थ्री, फोर बिट ए एंड फोर बिट बी। ये हमारा जो सबट्रैक्टर बनेगा ये देगा ए माइनस बी, और वन बिट का ये यहाँ पर इनपुट है बी इन, एंड ये हमारा डी जीरो, डी वन, डी टू, डी थ्री, फोर बिट का ये क्या आया हमारा डिफरेंस, एंड बी आउट एक। और यहाँ पर देखिए, जैसे हमारा फोर बिट एडर था उसमें इसका आउटपुट क्या हो जाता था, इसका इनपुट बन जाता था, ऐसे ही यहाँ पर इसका बोरो जो होगा वो इस वाले अगले वाले में जाके इसका इनपुट बन जाएगा। तो इसको हम डिनोट कर रहे हैं बी जीरो से, इसका आउटपुट इसका इनपुट बन जाएगा, इसको हम डिनोट कर रहे हैं बी वन से, इसका आउटपुट इसका इनपुट बन जाएगा, इसको हम डिनोट कर रहे हैं बी टू से। तो अभी तक हमने सारे इनपुट एंड आउटपुट को डिनोट कर लिया है, अब हमें इसका प्रोग्राम लिखना है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे इसका मॉड्यूल, तो मॉड्यूल एंड सबट्रैक्टर, तो एस यू बी लिख लिया सबट्रैक्टर के लिए, फोर बिट, फोर बिट सबट्रैक्टर लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, ये कई बार बता चुका हूँ, ये इस से नंबर से स्टार्ट नहीं होता है। तो यहाँ पर अब इसका आउटपुट एंड इनपुट लिखेंगे, तो आउटपुट डी एंड बी आउट एंड इनपुट ए बी एंड बी इन, देन सेमी कॉलन। अब इसका आउटपुट डिफाइन करेंगे, तो आउटपुट, अब यहाँ पर देखिए आउटपुट हमारा फोर बिट का है, तो यहाँ एरे डिफाइन करना पड़ेगा आउटपुट को, ये मैं सब एडर में बता चुका हूँ फोर बिट एडर में। तो ये हो जाएगा थ्री डाउन टू जीरो डी, एंड एक आउटपुट और है बी, बी आउट, लेकिन वो वन बिट का है तो उसको अलग लाइन में डिफाइन करना होगा। तो आउटपुट बी आउट,
अब हमारे पास देखिए दो इनपुट है, ए फोर बिट एंड बी फोर बिट, लेकिन दोनों क्या है, दोनों फोर फोर बिट का है, तो दोनों को सेम लाइन में हम डिफाइन कर देंगे। तो यहां पर आएगा इनपुट, इनपुट थ्री डाउन टू जीरो ए कॉमा बी, यहाँ ए एंड बी एक लाइन में क्यों डिफाइन हो गए, क्योंकि दोनों सेम बिट के थे। इसके बाद एक इनपुट और हमारे पास है बी इन, तो इसको ये अलग बिट का है, वन बिट का है, तो इसको अलग लाइन में डिफाइन करेंगे बी इन। अब हमने क्या कर लिया, इनपुट एंड आउटपुट दोनों डिफाइन कर लिया है। अब क्या डिफाइन करना है हमें, इंटरमीडिएट सिग्नल, जो इसका आउटपुट एंड इसका आउट इनपुट एंड इसका आउटपुट है, ये यहाँ पर इसका इनपुट इसका आउटपुट। तो इस टाइप से हमारे पास कितने इंटरमीडिएट सिग्नल हैं, थ्री। इसको हम वायर डिफाइन करेंगे, तो ये हो गया वायर टू डाउन टू जी, टू डाउन टू जीरो बी। यहाँ पर देखिए बी एक बार हम डिफाइन कर चुके हैं, तो इसको कोई दूसरा नंबर लेना पड़ेगा, तो इसको हम एस ले लेते हैं सिग्नल। तो यहाँ पर हमने डिफाइन किया टू डाउन टू जीरो एस। अब हमें क्या करना है, सब लेबल कर देना है, तो इसको हमने लेबलिंग कर दिया L0, L1, L2, L3। तो हमें इससे इसको कॉल करना है, कॉल किससे करना है, जो हमारा फुल एडर का जो हमारा मॉड्यूल नेम था। तो मॉड्यूल नेम हमने कई टाइप से इसको, तीन चार टाइप से इसका प्रोग्राम लिखा था, कई मॉड्यूल नेम दिए थे, तो किसी भी मॉड्यूल नेम से हम कॉल कर सकते हैं, बट हम यहाँ कॉल कर रहे हैं फुल एडर फुल सबट्रैक्टर एफ एस जी एल जीरो लेबल। अब यहाँ पर देखिए इसका आउटपुट क्या है, डी जीरो एंड एस जीरो, तो यहाँ पर लिखेंगे डी जीरो कॉमा एस जीरो, देन इनपुट ए जीरो बी जीरो एंड बी इन। सेकेंड पर आ जाइए, इस वाले फुल सबट्रैक्टर को कॉल करेंगे विथ मॉड्यूल नेम एफ एस जी एल वन, आउटपुट ऑफ दिस सब्सट्रैक्टर डी वन, देन एस वन एंड इनपुट ए वन बी वन एंड एस वन। तो हो गया ए वन बी वन एंड एस वन। फिर से नेक्स्ट वाले सबट्रैक्टर को कॉल करेंगे एफ एस जी एल टू, एल टू का आउटपुट है डी टू एंड एस टू, तो यहाँ पर डी टू एंड एस टू, डी टू एंड एस टू एंड इनपुट ए टू बी टू एंड एस टू। इसके बाद फिर से लास्ट वाला जो हमारा थर्ड मतलब फोर्थ वाला फुल सबट्रैक्टर है, इसको कॉल करेंगे तो एफ एस जी एल थ्री डी थ्री। अब यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा, बी आउट, बी आउट, देन इनपुट ए थ्री बी थ्री एंड ए थ्री बी थ्री। वन मिनट, यहाँ पर देखिए ये इनपुट था एस जीरो, यहाँ पर जो इनपुट आ रहा है ये एस वन एंड यहाँ एस टू। इसके बाद एंड मॉड्यूल, एंड मॉड्यूल, तो ये हमारा फोर बिट का क्या हो गया, फोर बिट सबट्रैक्टर हो गया। सेम टू सेम जैसे एडर था, सेम टू सेम वैसे ही सबट्रैक्टर है, केवल वो ऐड करता था, ये डिफरेंस बताएगा। तो यहाँ पर देखिए जैसे मान लीजिए हमारा ए फोर बिट का था, ए जीरो ए वन ए टू ए थ्री, ये मान लीजिए था वन जीरो वन जीरो एंड बी थ्री बी टू बी वन बी जीरो। इसको मान लीजिए तो ये कितना हो गया, टेन, ये माइनस टू, तो आंसर क्या आना चाहिए, एट। तो यहाँ पर आंसर आएगा एट, तो कुछ इस टाइप से इसका आंसर आएगा। यहाँ पर हमने क्या पुट कर दिया है, बी इन को, बी इन को हमने जीरो पुट किया हुआ है, तो यहाँ पर एट आंसर आएगा। अगर बी इन को हम व्हाट वन पुट कर देंगे तो ये वन और सब्ट्रैक्ट कर देगा, अगर बी इन इक्वल टू क्या पुट कर देंगे वन,
तो यहाँ से ये वन और सब्ट्रैक्ट कर देगा तो आंसर आ जाएगा 7। तो कुछ इस टाइप से इसका आंसर आएगा। और ये मॉडलिंग जो हमने यहाँ पर यूज किया है, ये है गेट लेबल मॉडलिंग। तो ये हमने 4-bit सब्ट्रैक्टर का प्रोग्राम लिखा है यूजिंग गेट लेबल मॉडलिंग, और कॉल क्या किया है, फुल सब्ट्रैक्टर एज ए मॉड्यूल। अब हम लिखेंगे इसको डेटा फ्लो मॉडलिंग से। तो आगे देखिए, तो यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं एन बिट सब्ट्रैक्टर यूजिंग डेटा फ्लो मॉडलिंग। तो हम लोगों ने थर्ड लेक्चर जो हमारा हमने अपलोड किया था, थर्ड लेक्चर में था एन बिट एडर यूजिंग डेटा फ्लो मॉडलिंग। तो दोनों सेम है कि और ऑपरेटर चेंज हो जाएंगे, उसमें प्लस ऑपरेटर हमने लिया था, यहाँ पर माइनस ऑपरेटर लेंगे, बाकी सब कुछ सेम है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले मॉड्यूल डिफाइन किया था, मॉड्यूल तो सब्ट्रैक्टर एन बिट डी डेटा फ्लो, देन आउटपुट डी एंड बी आउट, इनपुट ए बी एंड बी इन। अब यहाँ पर हमें आउटपुट डिफाइन करना है, तो आउटपुट अगर हम यहाँ पर देखिए, अगर हम एक पैरामीटर यूज करते हैं, पैरामीटर, तो पैरामीटर को हम एन से डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक पैरामीटर एन इक्वल टू, मान लीजिए हमें 6-bit का लिखना है, तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5, मतलब 0 to 5 6-bit। तो ये हो गया एन इक्वल टू 5, एंड इसके बाद फिर आउटपुट डिफाइन करेंगे, तो आउटपुट। अब यहाँ पर देखिए, हमने एन बिट लिया है एन इक्वल टू 5, तो यहाँ एन डाउन टू 0 होगा, एन डाउन टू 0 डी आउटपुट, बी आउट 1-bit का है तो इसको अलग डिफाइन करेंगे, बी आउट देन इनपुट। अब इनपुट क्या हो जाएगा, ये भी एन डाउन टू 0 ए एंड बी, तो ए कॉमा बी दोनों सेम बिट का है तो एक ही लाइन में डिफाइन हो जाएगा, देन अदर इनपुट बी इन। ये हमने इनपुट एंड आउटपुट डिफाइन कर लिया। अब यहां पर देखिए, हम किससे लिख रहे हैं, कौन से मॉडलिंग से, डेटा फ्लो मॉडलिंग से। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे असाइन, तो असाइन मीडियम ब्रैकेट। अब जैसे जो हमारा एडर था, एडर में क्या आता था, सम इस साइड में आता था और डिफरेंट सम इधर आता था एंड कैरी इस साइड में आता था, ऐसे ही हमारा ये क्या है, सब्ट्रैक्टर, तो इसमें डिफरेंस इस साइड में आएगा एंड बोरो इस साइड में आएगा। तो यहाँ पर हमने पहले लिखा बी आउट कॉमा डी इक्वल टू ए माइनस ऑपरेटर बी माइनस ऑपरेटर बी इन सेमी कॉलन देन एंड मॉड्यूल। इसमें जो हमने एन बिट एडर लिखा था उसमें क्या चेंज हुआ था, केवल यहाँ प्लस ऑपरेटर लग जाएगा, तो वो बिट बाय बिट प्लस कर देगा, यहाँ माइनस ऑपरेटर लगेगा तो ये बिट बाय बिट माइनस कर देगा। तो यहाँ पर हमारा ये बन गया कितना, 6-bit का सब्ट्रैक्टर बन गया। ऐसे ही सेम हमने लेक्चर 3 में डिफाइन किया था एडर। अब यहाँ पर देखिए, अगर इसको हम इस पॉइंट को यहाँ से हम अगर इरेज कर देते हैं, ये वाला पॉइंट पैरामीटर, और इसको हम 4 यहां पर 4 बना देते हैं, एन को हमने कर दिया 4, इस एन को 4, तो ये अब क्या हो गया, 4-bit सब्ट्रैक्टर। अब इसी में और थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इसको यहां से हटा देते हैं, इसको यहां से हटा देते हैं, तो अब ये क्या बन गया, अब ये बन गया फुल सब्ट्रैक्टर। तो ऐसे भी फुल सब्ट्रैक्टर को लिख सकते हैं, 4-bit सब्ट्रैक्टर को ऐसे भी लिख सकते हैं और n-bit को ऐसे लिख सकते हैं।
तो ये था हमारा डेटा फ्लो मॉडलिंग एन बिट सब्ट्रैक्टर। अब हम लिखेंगे एन बिट सब्ट्रैक्टर यूजिंग बिहेवियरल मॉडलिंग। देखिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं एन बिट सब्ट्रैक्टर यूजिंग बिहेवियरल मॉडलिंग, तो एन बिट सब्ट्रैक्टर है तो यहाँ भी पैरामीटर हमें डिफाइन करना होगा, तो ये हो गया पैरा मीटर एन इक्वल टू, मान लीजिए हम 8 बिट का हमें लिखना है तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा 7, देन आउटपुट, तो आउटपुट क्या हो गया एन डाउन टू 0 डी आउटपुट, बी आउट 1 बिट का है तो अलग लाइन में, इनपुट एन डाउन टू 0 ए कॉमा बी, ए एंड बी दोनों सेम बिट का है तो एक ही लाइन में डिफाइन कर सकते हैं, देन इनपुट बी इन ये 1 बिट का है तो अलग लाइन में इसको डिफाइन करेंगे। अब देखिए हम बिहेवियरल मॉडलिंग से कर रहे हैं तो आउटपुट को क्या डिफाइन करना पड़ेगा, रजिस्टर, तो यहाँ पर रजिस्टर एन डाउन टू 0 डी एंड रजिस्टर बी आउट। अब कौन, अब क्या हमारा कीवर्ड आएगा ऑलवेज, तो ऑलवेज एट द रेट सेंसिटिविटी लिस्ट, सेंसिटिविटी लिस्ट में यहाँ क्या है ए और वी और बी इन बिगिन, देन हम लेक्चर 3 में जो हमने लिखा था एन बिट एडर सेम टू सेम यहाँ पर भी आएगा ब्रैकेट, देन बी आउट कामा डी इक्वल टू यहाँ ऑपरेटर यूज करेंगे ए माइनस बी सेमी कॉलन, देन एंड एंड मॉड्यूल। तो यहाँ पर हमने ये प्रोग्राम लिख लिया है बिहेवियरल मॉडलिंग से। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी सेम जो हम रन करेंगे इसमें, तो यहाँ भी ऐसे ही इनपुट डालेंगे ए थ्री ए टू ए वन ए जीरो इक्वल टू 1010 मान लीजिए, हमें 8 बिट का नंबर देना पड़ेगा तो हम ले रहे हैं 001010 मतलब 10 एंड बी थ्री बी वन बी टू बी वन बी जीरो, तो यहाँ बी सेवन ए सेवन ए सेवन ए सिक्स ए फाइव ए फोर, अभी 8 बिट का नंबर हुआ, ऐसे ही यहाँ बी सेवन बी सिक्स बी फाइव एंड बी फोर बी थ्री बी टू बी जीरो बी वन, तो ये होगा 0000010। इसको अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड यहाँ पर बी इन इक्वल टू क्या है 0, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 0000100000, 4 बिट में मतलब 8 बिट में क्या लिखा हुआ है 8। अब यहाँ पर अगर बी इन इक्वल टू 1 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 और सब्ट्रैक्ट हो जाएगा यहाँ पर, तो 0000011 8 बिट में 7 आ जाएगा, तो कुछ इस टाइप से इसका आंसर आएगा। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया 4 बिट सब्ट्रैक्टर विथ गेट लेवल मॉडलिंग, एन बिट सब्ट्रैक्टर विथ डेटा फ्लो मॉडलिंग, एन बिट सब्ट्रैक्टर विथ बिहेवियरल मॉडलिंग। तो लेक्चर 3 और ये हमारा होगा लेक्चर 5, ये दोनों नियर अबाउट एकदम सेम है, केवल हल्का सा डिफरेंस है, तो ये दोनों एक साथ आप कंपेयर करके पढ़िएगा लेक्चर 3 एंड लेक्चर 5। तो अगले टर्म पे हम लोग डिस्कस करेंगे मल्टीप्लेक्सर एंड डी मल्टीप्लेक्सर। थैंक यू। अगर आप लोगों को ये हमारा लेक्चर हेल्पफुल लग रहा है तो आप लोग यहाँ पर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। थैंक यू।